हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको थ्री वे बैंड यानी कि टी बना करके दिखाएंगे। ट्रे में दो ट्रे रहेगा हमारा, एक 225 का और एक 100 mm का। 100 mm में हम आपको उसका टी का मार्किंग बताने वाले हैं और 225 में हम उसको एक ब्रांच कटिंग करेंगे, उसका मार्किंग भी आपको दिखाएंगे, उसका मार्किंग भी आपको सिखाएंगे। और 100 mm में जो हम टी का मार्किंग करेंगे वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक देखें इसका पूरा मार्किंग मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका क्या फार्मूला है, फुल इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर आप चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 225 का ट्रे है ये वाला, और ये है 100 mm का ट्रे, ठीक है। तो इसको हम इसमें ला करके ज्वाइन करेंगे। इसमें हमको टी बैंड बनाना है, तीन टाइप का हमको ये बैंड चाहिए, ठीक है। तो ये इसको ला करके हमको इसमें ज्वाइन करेंगे। तो इसको हमको पहले मार्किंग करके कटिंग करना पड़ेगा और इसको भी कटिंग करना पड़ेगा। तो इसका हम मार्किंग कैसे करते हैं ये दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा ट्रे है ना, यहाँ तक आया हुआ है और इसको हमको ला करके इसमें जोड़ना है। देख सकते हैं ये पूरा ट्रे हमारा इधर है, इसको हमको ला करके 225 में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम पहले मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखिए हमारा 100 का ट्रे है और इसको हम सीधा यहाँ पर ला करके इसका पहले हम सीधा देख लेंगे यह कहाँ पे हमको ये टी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे टच कर दिया है इसको। आप मेजरमेंट टेप से इसका मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारा 10 cm है, तो पहले ये हमारा ट्रे का 10 cm, आप इसको सेंटर से सेंटर मार्किंग कर लें। ये देखिए ये हमारा 10 cm हो गया और इसके बाद ये ट्रे आप हटा दें, ठीक है। उसके बाद हम इसका मार्किंग करेंगे। तो अब हम इसका मार्किंग करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम उसका भी मार्किंग करेंगे। तो पहले इसका मार्किंग कर लेते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने जो मार्किंग किया था 10 cm, ये हमारा 10 cm ये वाला है, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ मार्किंग किया था, ये निशान और ये निशान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 10 cm हो गया, ये जो हमारा ट्रे है ये वाला 100 mm का ट्रे हमारा इसमें ज्वाइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 mm का ट्रे है तो 100 mm का ये हम मार्किंग कर दिए हैं। उसके बाद 5 cm आप इधर ले लें, 5 cm आप इधर मार्किंग कर दें और इधर से फिर 5 cm इधर मार्किंग कर दें। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 20 cm, ठीक है। तो ये हमारा टोटल पूरा देखिए, यहाँ से 20 cm ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं आपको। तो देख सकते हैं हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको एक यहाँ मार्किंग कर लेना है। ये देखिए हमारा इधर भी मार्किंग हो गया। ये जो हमने मार्किंग किया है ये आपका पूरा कटिंग हो जाएगा, ये जो हिस्सा है ये पूरा यहाँ से ये पूरा कट के आपको निकाल देना है, ठीक है। ये यहाँ से आपको पूरा काट करके इसको बाहर निकाल देना, ठीक है दोस्तों। तो इसका मार्किंग हो गया, अब हम चलते हैं 100 के ट्रे में, उसका मार्किंग देखते हैं, उसका मार्किंग कैसे करते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 100 का ट्रे है, जो इसमें हम कैसे मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम 8 cm यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये 8 cm आप पहला मार्किंग यहाँ पर कर दें, 8 cm पर यह हमारा कपलर बन जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ से 10 cm ले लें, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18 cm हो जाएगा। तो ये 18 cm पे हम दूसरा मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये 8 cm पे पहला मार्किंग और फिर ये 10 cm यहाँ पे, 8 और 10 18 cm, ठीक है। ये दोनों मार्किंग हो जाने के बाद आप यहाँ से दो लकीर खींच दें, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है, सेम मार्किंग आपको उस तरफ भी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 8 cm, उसके बाद यहाँ से फिर 10 cm, ये 8 cm कपलर हो गया, ये 10 cm हमारा ये रेडियस हो गया। इसको भी उसी तरीके से मार्किंग कर दें आप। तो ये देखिए ये मार्किंग हो गया, अब आपको क्या करना है, ये जो मार्किंग किया हमने इसमें हमको कपलर बनाना है। तो कपलर हम कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए ये बन गया कपलर, ये वाला कट के निकल जाएगा,
इसको भी आपको यहाँ से ये पूरा यहाँ तक काट कर निकाल देना, तो ये हमारा कपला बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही सब बचेगा। इधर भी आपको वैसे ही मार्किंग करना है सेम जैसा मैंने उधर किया है। ये देखिए, ये भी कपलर बन गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ एक निशान आप मिला दें, इसको पूरा मार्किंग कर दें। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमने पूरा यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्किंग कर दिया है ना। और ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला यहाँ तक, और यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे ये वाला, ये भी कटिंग हो जाएगा और ये भी कटिंग हो जाएगा। तो ये हिस्सा जो है आपका बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा ये हिस्सा, उस तरफ भी यही बचेगा। तो ये हमारा कपलर है, उस ट्रे के अंदर जाएगा 225 का। ठीक है, और इसका मार्किंग देखिए आपको इसमें क्या करना है। ये जो हमने मार्किंग किया है सेम सेम जैसे इधर मैंने मिलाया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी मार्किंग होगा। ठीक है, तो इसको भी आप मिला लें पूरा। तो ये देखिए, ये भी हमारा मार्किंग हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये सेंटर से आपको एक मार्किंग और लगा देना है यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं ये सेंटर, ये 100 mm है, तो यहाँ से 50 mm, यानी कि ये दो होल, ये दो होल इधर है, दो होल इधर है, चार होल। ये सेंटर वाला जो हमारा ये गैप है यहाँ पे, ये देखिए है ना, ये सेंटर में आ रहा है। यहाँ से यहाँ एक मार्किंग कर दिया आप। ठीक है, तो ये मार्किंग हो चुका है हमारा। तो ये देखिए, ये भी आपको काट के निकाल देना है, यहाँ से यहाँ तक ये भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ, ये भी आपका यहाँ से यहाँ पूरा कट जाएगा, ये आपको नहीं काटना है, और ये भी आपको नहीं काटना है। फिर आपको इस तरफ आ जाना है, और इधर आपको ये जो हमने मार्किंग किया है ये आपको आई कट मार लेना है। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कटेगा, याद रहे, यहाँ से आपको यहाँ तक काटना है, सिर्फ यहाँ पर ये आई कट होगा। ठीक है, सेम सेम आपको इधर भी ये वाला जो है, ये कोना, ये कॉलर, ये जो कॉलर कॉलर इसको बोलते हैं हम, ये जो कॉलर है आपको ये वाला भी कटिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मार्किंग करना है, और जैसे मैंने कब बताया कटिंग करने के लिए, सेम सेम वैसे ही आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये हमारा 10 cm है और ये 8 cm, ये 8 cm हमारा कपलर बन जाएगा। और ये जो 10 cm देख रहे हैं, ये हमारा जब ये सेंटर से कटेगा, और यहाँ से भी आपको काटना है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो इसको चलिए हम कटिंग करके इसको हम दिखाते हैं आपको, फिर हम इसमें डाल करके उसको मोड़ करके इसको पूरा दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको हम कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग हो चुका है जैसा कि हमने मार्किंग किया था। ये देख सकते हैं, ये हमारा कपलर है और ये भी कपलर है। यहाँ सेंटर से हमने कटिंग कर दिया, यहाँ से भी कटिंग कर दिया, बस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इधर देख सकते हैं, ये हमारा कटिंग नहीं है, ये भी कटिंग नहीं है, ये कपलर है हमारा, है ना। यहाँ पे आई कट, यहाँ पे भी आई कट का आपको कटिंग लगा लेना है। ये वाला हमको इस तरफ मोड़ना है, ये इसमें जा करके अंदर चला जाएगा, इसमें रूपिंग बोल्ट डाल देंगे, और ये वाला इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, दोनों को रूपिंग बोल्ट डाल करके पूरा टाइट कर देंगे, ये इस तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक साइड से एक हम बड़ा सा ट्रे लेंगे, उसको रिड्यूसर इस टाइप का जैसा कि हमारा है उस टाइप का, उसको मार्किंग करेंगे, आपको उसका मार्किंग भी दिखाएंगे। फिर उसको भी पीछे से बैक साइड से कटिंग करके उसको हम रूपिंग बोल्ट डाल करके इसमें टाइट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको मोड़ करके आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। इसको हम कैसे मोड़ते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसको हम फोल्ड करके इसमें रूपिंग बोल्ट डाल करके आपको पूरा दिखाते हैं कैसे कैसे मोड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा टी बन के तैयार हो गया है। ठीक है,
और इसमें हम बैक साइड से एक टी बना करके एक प्लेट कटिंग करेंगे और उसको इसके पीछे लगा देंगे हम, इसके पीछे। आप इसके पीछे भी देख ले, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाली जगह है हमारा, ये पूरा कवर हो जाएगा। इसी टाइप का हम एक टी कटिंग करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो चलिए इसका मार्किंग करके, इसको कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं, फिर उसमें भी रूपिंग गोल्ड डाल करके टाइट कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा 600 का ट्रे है, इसी में हम टी बनाएंगे। देख सकते हैं, एक हमने टी बना करके रखा है, इसमें भी हमने टी कटिंग किया है। तो चलिए इसी में हम मार्किंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे, आइए वीडियो में बने रहिए, देखिए हम कैसे मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो ट्रे है टी जो हमने बनाया था, ये हमने 600 के ऊपर रख दिया है। ये हमारा 600 का ट्रे है, इसके ऊपर हमने रख दिया है और इसका अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, और भी कई तरीके हैं मार्किंग करने के, तो ये सबसे आसान तरीका है मार्किंग करने का। तो चलिए इसका मार्किंग देखिए हम कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो हमारा कोना है, यहाँ से आप मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से दूरी ये 5 सेंटी ले लें, और ये जो आपका 10 सेंटी है, ये पूरा आप 10 सेंटी यहाँ तक ले लें, ठीक है। फिर इस तरह भी ऐसे ही ये मार्कर से ये पूरा मार्किंग कर लें यहाँ तक। तो ये हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। अब इसको हम हटा करके ये यहाँ से आगे 5 सेंटी ले लेंगे, तो ये हमारा मार्किंग कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये हमने पूरा मार्किंग कर दिया यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ 10 सेंटी आना चाहिए, यहाँ से भी यहाँ 10 सेंटी, ठीक है। यहाँ से आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा जितना हम ट्रे में मार्किंग किए हैं 10 सेंटी का, तो ये आप 10 सेंटी ही रखेंगे ये दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ से हम 5 सेंटी ले लेंगे या 7 सेंटी भी ले लेंगे आगे बढ़ा करके, फिर यहाँ से एक यहाँ निशान लगाएंगे, देख सकते हैं, फिर यहाँ से सीधा मार्किंग कर देंगे। तो चलिए इसका मार्किंग कर लेते हैं, फिर इसको भी यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये हमने 7 सेंटी रखा है, ठीक है। वैसे ही आपको मार्किंग करना है, उसके बाद इसको मिला देना। तो चलिए इसको मार्किंग कर देते हैं राइट एंगल से। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा टी का मार्किंग हो गया। सेम ऐसे ही मार्किंग आपको करना है और इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करके फिर उस ट्रे में हम आपको लगा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको कटिंग कर करके इसको फिर उसमें लगा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने कटिंग कर दिया है, ठीक है। इसी टाइप से आपको कटिंग कर लेना है और इसमें हम रूपिंग बोर्ड डालेंगे ऐसे बैठा करके आपको। ये देखिए, ये हमारा 10 सेंटी, यहाँ से हमने यहाँ मार्किंग किया था और यहाँ से यहाँ 10 सेंटी मार्किंग किया था, और यहाँ से हमने 5 सेंटी 7 सेंटी जितना भी आपको लेना है यहाँ तक ले लें, और ये भी आप जितना भी ले सकते हैं यहाँ तक ले लें, लेकिन ये जो गैप है हमारा सेम सेम आपको रखना है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं ये होल हमारा मिल चुका है, इसमें हम रूपिंग बोर्ड डालेंगे और इसको पूरा टाइट करके फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने पूरा रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको पूरा टाइट कर दिया। ये जो हमने टी कटिंग किया था इसके ऊपर बैठा करके, ये देख सकते हैं 5 रूपिंग बोल्ट है, या 5 रूपिंग बोल्ट डाल करके हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। इसी तरीके से आपको इसको बैठा करके टाइट कर लेना है। तो चलिए उस तरफ से भी हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है उस तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 5 रूपिंग बोल्ट इस तरफ से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा टाइट कर लेना है, इसको पूरा फिक्स कर लेना है। तो ये हमारा टी बन चुका है, देख सकते हैं किस तरीके से हमारा टी बना है। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।